सीएम सुक्खू ने आज से जो है वो चुनावी हुंकार भर दी है और सीएम आज ऊना के कुटलहर विधानसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो खबर है आज की वो है कांग्रेस के दो टिकट। आज सीएम ने खुद मंच से कहा है कि दो ऐसे नेता जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं वो उन्होंने नाम बताए और इनका टिकट कहीं ना कहीं जो है वो फाइनल लग रहा है, वो आपको नाम बताएंगे। इसके अलावा और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। डिप्टी सीएम ने जो है वो जुबानी हमला बोला है कंगना रनौत पर, वहीं फिर जो है वो जयराम ठाकुर ने जुबानी हमला बोला है डिप्टी सीएम पर, सभी खबरें बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुक्खू ने ऊना के कुटलहर विधानसभा से आज चुनावी हुंकार भरी है और बागियों और भाजपा पर खूब बरसे। सीएम आज कुटलहर के समूर कला में थे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के बागी नेताओं पर आरोप लगाया कि जो विधायक हैं वो 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। ये आरोप लगाए हैं सीएम सुक्खू ने। इसके जो है वो उनके पास प्रूफ भी है, दावा किया है सीएम सुक्खू ने। उन्होंने कहा जो लोग आपकी भावना बेचकर जाते हैं, आपकी विधायक की नीलाम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा बागी विधायकों ने अपना ईमान बेचा है और ये सब जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि इनकी भ्रष्टाचार से हुई कमाई जनता की है और जनता में ही बटनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग 14 महीने में ही बिक गए वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, ऐसे लोगों की जनता जो है वो जमानत जब्त करवा देंगी। ये सीएम ने आरोप लगाया है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी जो है उन्होंने आड़े हाथ लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम ठाकुर नोट के दम पर कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 25 विधायकों वाले जयराम ठाकुर कहते हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बनेगी। उन्हें यह समझ नहीं है कि जो विधायक कांग्रेस में बिक सकते हैं वो आने वाले समय में किसी भी मंडी में नीलाम हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा बेशक हमारे पास धन नहीं है लेकिन जनता के वोट से कांग्रेस उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जीतेगी। ये आज जो है वो जुबानी हमला बोला है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। वहीं सीएम ने कांग्रेस के बागी और भाजपा के कुटलहर से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा भुट्टो को वोट देकर बुरी तरीके से कूटो, ये उन्होंने मंच से कहा। बाद में सीएम सुक्खू ने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि राजनीति में कूटो का मतलब जो है वो वोट देकर हराना है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा आपके पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो बिक गए हैं, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाकर राजनीति से बाहर करना है, ये उन्होंने आरोप लगाया देवेंद्र भुट्टो पर मंच से। जो हम आपको बता रहे हैं सीएम का संबोधन है। उन्होंने कहा विधायक बनने से पहले देवेंद्र भुट्टो बार बार उनके पास आते थे और टेंडर के लिए अधिकारियों को फोन करने का उनसे आग्रह करते थे, ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया और विधायक भी बनाया पर अब उसी विधायक ने पार्टी को धोखा दिया है, ऐसे लोगों को अब जनता को सबक सिखाना चाहिए। वहीं उन्होंने मंच से बड़ा ऐलान किया है, मध्य प्रदेश की कुटलहर विधानसभा सीट से विवेक शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी होने पर कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने मोहर लगाई है। उन्होंने आज कहा जो सर्वे हमने करवाया है, जो सीएम ने कहा है मंच से, सर्वे में कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से विवेक शर्मा सबसे आगे हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सीएम ने इस बात पर मोहर लगाई कि कुटलहर विधानसभा क्षेत्र से विवेक शर्मा उम्मीदवार होंगे और सर्वे में वो सबसे आगे चल रहे हैं और काफी लंबे समय से जो है वो कुटलहर में जनता की सेवा भी कर रहे हैं। सीएम ने मंच से ये बड़ी बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमीरपुर जो कि लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है वहां से जो अभी सर्वे करवा रही है पार्टी, उसमें सतपाल रायजादा ये दूसरा बड़ा चेहरा है जिनका नाम सर्वे में सबसे आगे चल रहा है। यानी उन्होंने दो टिकटों पर मोहर लगा दी है। एक टिकट उन्होंने जो है वो कहा कि जो कुटलहर विधानसभा क्षेत्र है यहां पर विवेक शर्मा और हमीरपुर जो लोकसभा की सीट है यहां पर सतपाल रायजादा अभी जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं सर्वे में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि टिकट पर जो आखिरी फैसला है ये हाईकमान लेगा और आपको मैंने बता दिया है कि 6 तारीख को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली जाएंगे, वहां पर सीईसी की बैठक होनी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो कांग्रेस की है, और उसी दिन संभावनाएं हैं कि जो टिकट है वो फाइनल हो जाएंगे। तो कांग्रेस के दो टिकट आप ये मानिए कि फाइनल है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम सुक्खू ने दावा किया है और मंच से कहा है कि जो सर्वे है सर्वे में ये सबसे आगे हैं विवेक शर्मा और सतपाल रायजादा, बाकी जो टिकट है उसके लिए फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो है वो जो पैनल के नाम है 3 पैनल के नाम शिमला से गए हैं, कांगड़ा से भी 2-3 नाम गए हैं। इसके अलावा मंडी की बात करें और इसके अलावा जो मंडी के अलावा अगर आप देखेंगे जो हमीरपुर है, हमीरपुर से तो आज
बोल ही दिया है सीएम सुक्खू ने कि कौन वहां से प्रत्याशी हो सकता है लोकसभा का। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष पर आज जुबानी हमला। उन्होंने बोला है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी थी, इसलिए उनकी पार्टी ने जनता द्वारा 15 महीने पहले चुनी गई बहुमत की सरकार को गिराने के लिए जो है वो साजिश रची, अब उनका सारा प्लान धराशायी हो गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के इस प्रयास को प्रदेश द्रोह बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यसभा सीट के लिए 6 विधायक अनसीट करवा दिए, 3 को अनसीट करने की तैयारी है। उन्होंने कहा अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है जनता के बीच, इन्होंने सरकार गिराने के लिए जो है वो प्रयास किए हैं। और मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी अभी भी कह रही है कि कांग्रेस के कुछ और लोग उनके संपर्क में हैं, अब कोई किसी के संपर्क में नहीं है, सब समझ गए हैं कि स्पीकर की पावर क्या है, इसलिए कोई भी एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके फिर में नहीं फंसना चाह रहा है। और मुकेश अग्निहोत्री ने जो बड़ी बात कही है कि ये प्रदेश द्रोह तो है ही है, लेकिन अब जो है वो आगामी समय में जब चुनाव होंगे 10 सीटों पर, तो इसमें जो है वो केवल जो भाजपा है उनको 10 सीटें चाहिए, चुनाव जो है वो 9 पर हो रहे हैं, फिर भी उनको कांग्रेस का एक जो है वो एमएलए की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जनता इनको जो है वो सबक सिखाएगी। जो ऑपरेशन लोटस है वो पूरी तरीके से फ्लॉप और फेल हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की हामी भरने वाली भाजपा, आज उनके पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अब मायानगरी मुंबई से उम्मीदवार लाना पड़ा है। यानी उन्होंने जो है वो कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला है और तंज कसा है कि भाजपा के पास अपना उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है वो कंगना को मंडी मायानगरी से जो है वो बुलाया है। वहीं भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुकेश अग्निहोत्री पर तीखा पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कंगना रनौत को भारी प्रत्याशी बताने वाले पहले ये बताएं कि वो राज्यसभा का जो प्रत्याशी है वो कहां से लेकर के आए थे। कंगना रनौत हिमाचल और मंडी की बेटी हैं और मंडी जिला के भावला में कंगना का घर है और मनाली में भी कंगना ने अपना घर बनाया है। इन सब बातों की मुकेश अग्निहोत्री और जो सभी नेता है उनको जानकारी नहीं है कांग्रेस के नेताओं को। ऐसे बयान देने से पहले मुकेश अग्निहोत्री को समझना चाहिए और सोच विचार कर ही जो है वो बयान देना चाहिए, जयराम ठाकुर ने कहा है आज। वहीं जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी सोच समझ कर बयान देने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने मायानगरी में जो नाम कमाया है और बुलंदियों पर पहुंची है वो कोई आसान काम नहीं है, ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, इसलिए यदि किसी ने किसी क्षेत्र में विशेष में अपनी पहचान बनाई है तो उसका सम्मान जो है वो करना चाहिए किसी भी लड़की ने, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को सोच समझ कर जो है वो बोलने की जरूरत है, ये जो है वो आज जयराम ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश में किसी भी तरह के जो ऑपरेशन लोटस की कोई जरूरत नहीं है और कांग्रेस के नेता अपनी सरकार और पार्टी से दुखी होकर खुद ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश में हालात ये है कि प्रदेशाध्यक्ष जो है वो मंडी की जो सांसद है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है, क्योंकि न तो नेताओं के काम हो रहे हैं और न ही विधायकों के काम हो रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में सरकार का जाना तय है और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। यानी जो जुबानी हमला डिप्टी सीएम ने जो है वो कह सकते हैं आप भाजपा पर किया था, उसका पलटवार जो है वो जयराम ठाकुर ने कहा किया है कि हमें कोई ऑपरेशन नोटिस की जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस हैं उनके जो लोग हैं वो खुद उनसे परेशान, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है, विधायकों के काम नहीं हो रहे, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की, तो वो आज सुंदरनगर में थी और वहां पर खूब गर्दी कंगना आज। उन्होंने कहा कि पहाड़ी महिलाएं किसी से नहीं डरती है और ये जो चुनाव है किसी धर्म युद्ध से कम नहीं है। अभिनेत्री से नेता बनी मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि वह पहाड़ी है और पहाड़ी महिलाएं किसी से नहीं डरती है, राजनीति में आने से पहले और उसके बाद से उन्हें डराने धमकाने के कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वह किसी से घबराती नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का बढ़ता मान सम्मान देखा तो राजनीतिक चेतना आई और वह अब सक्रिय राजनीति में है और मंडी की सेवा के लिए जो है वो मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा जिस तरीके से मैंने अपने काम में सफलता के झंडे गाड़े हैं उसी तर्ज पर यहां पर भी राजनीति में सफल होना चाहती हूं। यह बात कंगना ने आज सुंदरनगर में अपने प्रचार के दौरान कही। वहीं कंगना का सुंदरनगर में आज जो मंडल भाजपा की ओर से जो वहां पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां पहुंचने पर जो विधायक है वहां के राकेश जम्वाल और उनके जो साथी है उन्होंने जोरदार
जोरदार स्वागत वहां पर किया। अपने संबोधन में कंगना ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव किसी धर्म युद्ध से कम नहीं है, हम धर्म की तरफ से हैं और विरोधी जो पार्टी है वो अधर्म की तरफ से है। भाजपा और आरएसएस का धर्म राष्ट्रवाद है और जो विरोधी है उनका धर्म परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। कंगना ने कहा कि विरोधी उनके चुनाव मैदान में उतरने से परेशान हो गए हैं, वो कहते हैं कि चुनाव में जीत के बाद में दिखाई नहीं दूंगी, यह बचकानी बातें हैं, उन्हें होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो इस धर्म युद्ध में जो है वो आगे आकर के मंडी से जीत सुनिश्चित करवाने के लिए जो है वो मोर्चा संभाले, खुद मोर्चा संभाले। वही उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर भी तंज कसा, उन्होंने कहा जितनी उनकी बुद्धि है वह उतनी ही बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं यहां मैं जो है चुनाव लड़ने आई हूं तो मैं कोई घूमने फिरने नहीं आई हूं, जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगी और मेरा निश्चय यह है कि मैं ऐसी नेत्री बनकर दिखाऊंगी जिसमें आगे जाकर के ना भूतो ना भविष्यति, यानी ऐसी नेत्री ना पहले थी ना आगे जो है वो होने वाली, ये उन्होंने कहा ना भूतो ना भविष्यति। तो ये उन्होंने कहा है कि मैं पहले बॉलीवुड फील्ड में थी, वहां पर मैंने झंडे गाड़े और अब मैं सक्रिय राजनीति में आ रही हूं, तो मैं यहां पर जनता के लिए जो है वो समर्पित रहूंगी, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लेने की नेताओं में होड़ हो गई है। प्रदेश की राजनीति का जो पावर सेंटर है वो कभी वीरभद्र सिंह परिवार हुआ करता था और वीरभद्र सिंह जो है माफी चाहूंगा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे और जो उनका निवास हॉली लॉज है वहां पर जो है वो काफी नेता पहुंचते थे, ठीक वैसे ही इन दिनों सत्ता का जो केंद्र है वो समीरपुर में प्रेम कुमार धूमल का घर बना हुआ है। नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लेने समीरपुर में जो है बहुत नेता पहुंच रहे हैं भाजपा के। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव अनाउंस होते ही जो नेता है वो धूमल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और ऐसे में बीते कल जो है वो धर्मशाला के जो पूर्व विधायक है सुधीर शर्मा वो उनसे मिलने समीरपुर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। और सुधीर से पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा, कुटलहर से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल, इंडिपेंडेंट एमएलए होशियार सिंह, आशीष शर्मा, ये सभी जो है वो धूमल का आशीर्वाद लेने जो है वो पहुंचे हैं। और धूमल का आशीर्वाद लेने के बाद जो एक मंडी के घसत है जो हमीरपुर की सीटें हैं वहां पर भी जो बड़ी बातें कही थी उन्होंने वो भी हमने आपको बता दी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई कहीं पर गांठ पड़ जाती है, उन्होंने कहा कि जो नेता जो है वो भाजपा में आ गए हैं कोई गांठ जो पड़ जाती है उसको खोला जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता है, तो उन्होंने कहा है कि इनका स्वागत है और जो कमल का चुनाव चिन्ह है उसके लिए जो है वो हमेशा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देगा उसका बखूबी वो निर्वहन करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित जो है कई नेता पहुंच रहे हैं और जयराम ठाकुर भी जो है वो समीरपुर पहुंचे, उन्होंने भी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले और जो ये उपचुनाव हो रहे हैं उससे पहले आशीर्वाद लिया और जो रणनीति है उस पर भी जो है वो वहां पर विचार विमर्श किया गया कि कैसे जो है वो आगे बढ़ना है। तो धूमल कह सकते हैं आप हालांकि सक्रिय राजनीति में तो नहीं है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो भाजपा का शीर्ष भाजपा का जो नेतृत्व है प्रदेश नेतृत्व वो उनसे जो फीडबैक है जो राय है वो लेता रहता है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, ये बड़ी खबर है, अब प्रदेश में जो शराब है वो बहुत महंगी हो गई है। आपको एक गाना याद होगा, ये हिंदी फिल्म का गाना है, हुई बहुत ही महंगी शराब अब थोड़ी थोड़ी पिया करो। मध्य प्रदेश में शराब के शौकीनों को अपना स्टॉक पूरा करने के लिए अब जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से प्रदेश भर के जो सभी जिला है वहां पर जो शराब के ठेके हैं वहां पर अब आपको जो शराब पहले सस्ती मिलती थी वो महंगी हो गई है। शराब की हर बोतल पर 30-50% तक जो है वृद्धि हो गई है, यानी जो बोतल आप 100 रुपए की लेते थे वो अब आपको लगभग 150-200 रुपए देने पड़ेंगे। कोई भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठेकों के बाहर जो नई लिस्ट है रेट लिस्ट है वो भी लगा दी गई है और एकाएक ही जो है वो शराब के रेट बढ़ने से लोग भी अब अचंभे में हैं। इस बार सरकार ने खुले बाजार में शराब की बिक्री को लेकर जो प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं और अंग्रेजी शराब के जो ठेकेदार हैं उन पर जो है वो इस बार कोटा सिस्टम जो है वो लागू नहीं किया गया है, उनको इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ऐसा होने से इन ठेकेदारों को काफी बड़ी राहत मिली है, यानी ठेकेदार चाहे शराब उठाए या ना उठाए, चाहे जितने भी उठाए, इनका कोई इनको जो है वो कोई पूछने वाला अब नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इनका कोटा खत्म कर दिया है। परंतु आपको बता दें इनको जो लाइसेंस फीस है वो देनी पड़ेगी समय टू समय और ऐसे में अब जो ठेकेदार हैं वो अपने हिसाब से बिक्री को देखते हुए
शराब के जो रेट है वो तय करेंगे। यानी जो एक शराब की बोतल होती है वो एक के जो तय दाम होता है उससे अधिक अगर बेचनी है तो वो बेच सकेंगे, जो अभी तक अपडेट हमारे पास है। जो नए रेट के जो शराब शराब के जो रेट हैं वो जारी कर दिए ठेकेदारों को, और उसमें जो बोतल पहले 500 रुपये की मिलती थी वो अब 700 रुपये में मिलेगी, और इसके अलावा जो बियर की बोतल आप पहले 180 रुपये में लेते थे उसके लिए अब आपको लगभग 250 से 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी ये भी अब महंगी हो गई है। तो जो शराब के शौकीन हैं उनके लिए जो ये खबर है कि शराब के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं, और अगर हो सके तो शराब आप कम ही पिया करें, ये अपडेट कह सकते हैं आप, शराब ना ही पिए तो और अच्छा है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, HAS के जो है वो 8 पद भरे जाएंगे। इसको लेकर के आज जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पद भरे जाएंगे, और जो भी तैयारी कर रहे हैं युवा वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने जो है वो 2 मई तक, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, HAS की पोस्टें खुल गई है, 8 पोस्टें जो है वो निकली है, और आप कल से या फिर आज से कह सकते हैं 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा फूड एवं सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में 2 पद निकले हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इसमें 3 पद निकले हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 9 पद निकले हैं, और पंचायती राज में 1 पद, और जो कॉर्पोरेशन है उसमें 3 पद निकले हैं। अलग अलग पोस्टें हैं, आप जो है वो जो वेबसाइट है लोक सेवा आयोग की उस पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज से जो आवेदन है वो आप कर सकेंगे। तो जो HAS की पोस्टें और जो और पोस्टें हैं आपको हमने बता दिया है, ऑनलाइन माध्यम से ही जो है वो आप आवेदन कर सकेंगे। ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है, यानी आपको ऑनलाइन जो कैफे है वहां से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण खबर थी उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं और जो काफी लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें सरकारी स्कूलों को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकारी स्कूलों में अब जो न्यूट्रिशन गार्डन है वो बनाए जाएंगे, छात्रों को भी जो है वो गार्डन में काम करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो प्रदेश जो शिक्षा मंत्रालय है वहां से मंजूरी मिल गई है, और हरी सब्जियां जो है वो स्कूलों में अब उगेगी, और जो दोपहर का भोजन बनता है स्कूल में उसके इस्तेमाल में जो है वो ये सब्जियां लाई जाएगी। छात्रों को जो गैर शिक्षण कार्य है वो अब जो शिक्षक है वो करवा सकेंगे। अभी फिलहाल जो पहले जैसे बच्चों से काम नहीं करवाया जाता था, अब जो वहां पर गार्डन बनेगा वहां पर जो है बच्चे काम कर सकेंगे। जो उसमें सब्जियां उगाई जाएंगी वो सब्जियां जो दोपहर का भोजन बनता है उसमें जो है वो यूज की जाएगी। अब अभिभावक जो है इस पर जो है वो सवाल भी नहीं उठा पाएंगे। खीरा, धनिया, साग और जो अन्य आयुर्वेदिक पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, और जो बेस्ट गार्डन वाला स्कूल होगा उसको चयनित किया जाएगा, फिर उसको बाद में सम्मानित भी किया जाएगा। तो जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर पहले गैर शिक्षण जो कह सकते हैं आप कार्य करवाने पर जो है वो ये कहा जाता था कि ये आप ना करवाएं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो अब स्कूलों में जो न्यूट्रिशन गार्डन है वो बनाए जाएंगे, वहां पर बच्चे काम कर सकेंगे, इस पर कोई जो है पाबंदी नहीं है। और उसके बाद जो वहां पर सब्जियां उगाई जाएगी वो स्कूल में ही यूज की जाएगी, जो घर में जो वहां पर एक भोजन बनता है दोपहर का। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, 7 किलो 687 ग्राम चरस बरामद हुई है शिमला जिला में। शिमला जिला के चौपाल में पुलिस ने एक व्यक्ति को 7 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया है, और जानकारी के अनुसार निरवा बाजार में पुलिस को सूचना मिली थी कि धार गांव में एक व्यक्ति चरस की तस्करी कर रहा है और वहां पर वो लोगों को बेच रहा है चरस को, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जो वहां पर जिसका नाम है मोहन लाल इसके घर में दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से 7 किलो 687 ग्राम चरस है वो बरामद हुई है, और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्ट के तहत जो मामले हैं वो दर्ज कर दिए हैं और जो आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यक्ति की पहचान मोहन लाल 40 वर्षीय है, गांव धार चांदना चौपाल इसके तौर पर हुई है, और शिमला के जो SP संजीव गांधी उन्होंने पुष्टि की, और SP ने कहा है कि जो ये नशा तस्कर हैं इनको नहीं बख्शा जाएगा, और लगातार जो है वो पिछले एक वर्ष में बहुत अधिक जो तस्कर हैं वो पकड़े गए हैं जो पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। और लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं पर तस्कर हैं तो आप उसकी जो गुप्त जानकारी है वो शिमला पुलिस को किसी भी थाने में चौकी में दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, संदिग्ध अवस्था में जो है वो बिलासपुर में एक शव मिला है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं बाजार में आज सुबह संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजा गया है। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय कुलविंदर धीमान गांव बाड़ी मझेड़वा तहसील घुमारवी के रूप में हुई है, और पुलिस अब मृत्यु के जो कारण है उसका पता लगा रही है कि मृत्यु कैसे हुई है। ये जो है वो पहुंचा दिए। कोई सवाल आपका है आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी हमने पहुंचा दी है। कल आपके साथ जुड़ेंगे ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे और नई अपडेट आपको देंगे। काफी लोग जो सवाल कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट्स को लेकर के, फिलहाल जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। 6 अप्रैल को एक जो बैठक है वो दिल्ली में होनी है, उसी दिन जो आखिरी मोहर है वो टिकट पर लगनी है।